दुर्गम रास्ते स्टार्ट हो चुके हैं, पीछे ब्लैक आइस भी थी। मेरी वाइफ नवजोत, टच वुड, शी इज़ अ वेरी गुड हेल्पर, बहुत साथ में हेल्प करती है, तो इसलिए वो भी नई वीडियो बना पा रही थी। मैंने भी उसको बोला कि भाई कोई नहीं, तुम वीडियो मत बनाओ। देखो जान से ऊपर कुछ नहीं होता था, जस्ट टच ऐसा आया था जहाँ पे थोड़ी ब्लैक आइस थी, तो वहाँ पे गाड़ी को धीरे धीरे निकाल के हम लोग ऊपर लेकर आए हैं। अभी यहाँ पे जो है वो सिंगल रोड है, सामने से रास्ता शायद मेरे ख्याल से बहुत ही कम गाड़ियाँ छोड़ रहे हैं पुलिस वाले, और गाड़ी पहले गियर पे 4,500 आती है, गाड़ी चल रही है। गाइस मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत से रिव्यूज़ आते हैं शिवकुला के लिए कि हाँ इट्स टफ़, मत आइए। अभी तक देखो 3 किलोमीटर और रह गया है, जून 23 तारीख है आज, इससे पहले रहा होगा और टफ, आई एग्री, मगर ऐसा नहीं है गाइस कि डूएबल नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के रिव्यू से मत जाइए कि हाँ जी बहुत टफ है, सांस की दिक्कत आती है, जो आपको पता है अगर आप पहले लद्दाख कर चुके हैं, पानी पीते जाइए, पानी ही एक सोल्यूशन है देखो, और इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। देखो मैं गाड़ी पहले गियर में ही खींचता हूँ, जैसे ही दूसरा गियर डालता हूँ गाड़ी नीचे बैठ जाती है, और ये नेचुरल है। मेरे पीछे फॉर्चुनर आ रही है, वो फॉर्चुनर भी थोड़ा पीछे रह गई है, डजंट मैटर गाइस, मैं बता रहा हूँ, ऑल्टो है, इको स्पोर्ट है, एंडेवर है, फॉर्चुनर है, कोई भी गाड़ी होगी नेचुरल गाइस 16,000-17,000 फीट के जो पासिस होते हैं वहाँ पर दम तोड़ती है, ठीक है। तो इट नॉट डजेंट डिपेंड्स कि आप कौन सी गाड़ी चला रहे हो, इट ऑल डिपेंड्स हु इज़ देयर बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। तो अगर आपको स्किल्स आपके पास में है आप चला सकते हो, गॉड फॉरबिड, मैं कोई अपने लिए बड़ा बोल नहीं बोल रहा, डोंट थिंक कि मैं अपने लिए कुछ कह रहा हूँ गाइस, मेरे बहुत अभी लर्निंग एक्सपीरियंस है, मेरा हर ट्रिप मेरी एक लर्निंग एक्सपीरियंस होती है, तो मैं भी सीखता हूँ, एंड ऑफ कोर्स वी कांट कंपीट और वी कांट थिंक ऑफ लाइक ये देखिए गाइस ब्लैक आइस है साइड पे, तो इसके ऊपर धीरे धीरे से निकालना है, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा भी आपने कोई केयरलेसनेस बरती तो गाड़ी आपकी कहीं भी जो है ना घूम सकती है। हालांकि कम है बिकॉज धूप बहुत है, 7 डिग्री टेम्परेचर है, तो उतना रिस्क फैक्टर नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू बी केयरफुल। यहाँ पे देखिए गाइस वो वाला फैक्टर नहीं है, वो वाला हिसाब नहीं है कि आप लेजर से आ रहे हो, लद्दाख ट्रिप एनी डे इट्स अ मिशन, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि भैया जाके मैंने रिलैक्स करना है, जैसे बीच हट जाके बैठ के पैंगोंग के सामने मैं जाके निहारूंगा, दिन है आपके पास निहारिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट दिन अगर कम है तो उसके हिसाब से प्लान करिए अपनी जर्नी, इट्स अ मिशन, यू हैव टू स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। हम लोग आज थोड़ा लेट हो गए, अराउंड 7:45 हो गए थे, वी थॉट ऑफ लाइक स्टार्टिंग बाय 7:30, कोई नहीं थोड़ा बहुत ऊपर ही चलता है, बट हाँ ऐसा नहीं कि आप 11-12 बजे जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यही बर्फ़ पिघल के सड़क पे नदी बनाती है और हालत ख़राब कर देती है, तो आराम आराम से जाइए धीरे धीरे धीरे, और अपनी जर्नी को के साथ अपना पूरा फुल एंजॉय कीजिए। ओके गाइस, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। सो गाइस ये पहुँचने वाले हैं हम शिंकुला, यहाँ से लगभग रह गया है 1 किलोमीटर, मुझे राइट साइड पे दिख रहे हैं ओम मणि पद्मे हम के झंडे, जो तिब्बतन फ्लैग्स होते हैं, और टॉप दिख रहे हैं, भगवान की दया है अभी तक सांस किसी की फूल नहीं रही। साढ़े 16,000 फीट पे है ये गाइस पास, और बस हम पहुंचने वाले हैं यहाँ पे, थोड़ी सड़क के ऊपर ब्लैक आइस है, तो थोड़ा सा ध्यान से चलने वाली है इस जगह, और ऑलमोस्ट देखो नदी बह रही है क्योंकि तो बर्फ़ पिघल रही है खूब, बट ये है कि हाँ टर्मैक रोड है तो नथिंग टू वरी, आराम से गाड़ी जो है वो निकल जाती है ये गाइस, तो बट हाँ एडवेंचर अगर आपको पसंद है डेफिनेटली आइए, एंजॉय कीजिए, एक अलग ही लेवल का एडवेंचर है ये देखिए आप, और पदम यहाँ से है 104 किलोमीटर जो आज हमारी जर्नी है, और कल हम 300 किलोमीटर वहाँ से ले ट्रेवल करेंगे, जो कि पूरा दिन हमारा खाएगा। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से करना है, आधे आधे फीट की गड्ढे हैं यहाँ पे। सो गाइस शिंकुला टॉप हम पहुँच गए हैं, बाकी की जर्नी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे, एंजॉय कीजिए, बने रहिए, अलविदा, शबा खैर, सतनाम श्री वाहेगुरु, जय श्री राम, बाय। तो गाइस शिंकुला से निकल चुके हैं हम लोग, और पदम के लिए देखो कैसा स्ट्रेच मिलता है, 100 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो कि कहते हैं कि आराम से 6-7 घंटे ले जाता है, तो अगर 100 किलोमीटर का स्ट्रेच है अगर 6-7 घंटे लेगा तो गाइस यू कैन इमेजिन, ये देखो बर्फ पिघल के नदी बन चुकी है सड़क जो है, तो इसके ऊपर ये क्या होता है ना कि आपको मेजरली इस पर चढ़ना मुश्किल है, उतरना या स्टिल डूएबल। अब देखो सामने जो स्ट्रेच है ना गाइस, अब इसके ऊपर गाड़ी जो है ना ले जाना,
थोड़ा ट्रिकी है बिकॉज नीचे का ही लगने का डर है, तो आपको बहुत धीरे धीरे आराम आराम से लेके जाना है, बिकॉज मैं बीच में से लेके जाऊंगा तो गाड़ी टच होगी। तो व्हाट आई विल डू, मैं पहले गियर में धीरे से ये ऐसे और ऐसे ऐसे लेके, तो यहाँ पे गाड़ी जल्दबाजी नहीं है, आई हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। जहाँ जल्दबाजी करी वहाँ पे गाड़ी खराब, ब्रेक डाउन, तो फिर थिंग्स आर लाइक गेट वर्स्ट फॉर यू। यहाँ पे गाड़ी जहाँ नेटवर्क है, हेल्प लेने के लिए आप किसी को बोलोगे वो नीचे जाएगा जिसपा मनाली तक, फिर हेल्प मिलेगी, आप एक दिन के लिए यहाँ फंसे रहोगे, इट्स गोना बी टफ। अभी देखिए मतलब इस टाइप का ये वाटर क्रॉसिंग वगैरह आएगी, यू हैव टू सी लाइक फ्रॉम वेयर यू हैव टू गो, ओके। सो दिस हैव टू बी स्लो स्टडी, दैट इज द ओनली मंत्र वे, या यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट, बिकॉज गाइस जून का महीना है ना। देखिए हम लोगों ने ले सितंबर में किया है, अगस्त में किया है, जून इज़ आवर फर्स्ट टाइम। नाउ सी दिस स्ट्रेच, मतलब गाड़ी के लिए उतारना है, चढ़ाना है कहाँ से, धीरे 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 धीरे, बिकॉज नीचे लगने का डर है। व्हाट आई एम गोना डू, एक तरफ एक टायर मेरा रहेगा पक्के पे, बिकॉज गाड़ी को मिलेगी हाइट, राइट, और एक तरफ नीचे रहेगी तो गाड़ी टेढ़ी होकर आराम से निकल जाएगी। और अब थोड़ी सी टार्ड है ये, हालांकि कच्चा ही है, तो वो पानी क्या है, पानी सड़क को नीचे ले जाता है, ये सारा दिन चलता रहेगा, धूप आ रही है तो ये वाटर क्रॉसिंग बनती रहेगी। अब यहाँ से एक बार निकल गए, ये 10-15 किलोमीटर का स्ट्रेच ऐसा ही है, उसके बाद सब ड्राई है, ठीक है। वहाँ पे मोमेंटम बनाना, दैट्स इट फादर में, जो मैंने सुना है, अब लोगों का फर्स्ट टाइम है, एक्सपीरियंस अब शेयर करते रहूँगा, ऐसा ही है। मैं लोगों को देखा है, एक यूट्यूबर्स हैं भाई, एक का नाम तो देखा शायद उनका IIT रिंकू करके नाम है उनका, वो भाई ऑल्टो पे घूमते रहते हैं, ठीक है। और एक ग्रुप है, उनमें ओल्ड लेडी हैं और एक यंग मतलब एक है, उनका बेटे हैं, वो अपनी सामने के पास A-star कार है। तो ग्राउंड क्लियरेंस इज ओके, मतलब अगर आपकी 180 तक भी है यू कैन मैनेज, उससे नीचे आप सेडान वगैरह वाला काम नहीं है, ठीक है, हैचबैक भी आ जाएगी, बट यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, दैट्स इट, ठीक है। तो गाइस अभी आप प्लान कर रहे हैं, विद प्रिकॉशंस डेफिनेटली प्लान, डोंट गिव अप, ठीक है। ऐसे ही बातें करके हम, मैं और एक भाई, हम एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं, टच वुड, हम दोनों के इंस्टिंक्ट्स थोड़े ऐसे ही है कि गिव अप करते हैं हम लोग भी, ऐसा नहीं है, हम लोगों का कल तक गिव अप ही था, बट सम हाउ कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ प्लान करो जाओ, तो हो जाता है, ठीक है। सो गाइज आगे की जो है प्रोसीडिंग्स भी आपको हम ऐसे दिखाते रहेंगे, बाकी वीडियोस पे आप ऐसे बने रहिए, एंजॉय कीजिए, टेक केयर गाइज, बाय बाय, सी यू। वीडियो बना रही हूँ ये गाइज, नदी के ऊपर गाड़ी चल रही है, नदी क्यों है, क्योंकि बर्फ पिघल रही है, क्या ही करें, इस नदी का कोई नाम नहीं है, ये बर्फीली नदी है, आप ये कह सकते हो। अब हैट्स ऑफ टू दोस बाइकर्स, जब वो बेचारे चढ़ते हैं ऊपर तो उनके जूते उतर जराबे पूरी भीग जाती हैं, वो बेचारे अभी शिंगला पे जाके अपनी जराबे उतार के सुखा रहे हैं, और ये देखो भाई सड़क के ऊपर बर्फ भी है, पानी भी है, मतलब इस सड़क को डेफिनेटली एक अलग ही लेवल की बोलूँगा मैंने, हानले उमलिंगला चलाए हैं, है वो भी डिफिकल्ट, ये अलग का लेवल है, मतलब किसको मैं टफ बोलूँ किसको इजी बोलूँ, इट्स टफ, दोनों अपने में मज़ेदार हैं, टफनेस के मामले में मज़ेदार, मतलब ऑफ कोर्स ये एडवेंचर नहीं है, मतलब फन नहीं है, ये एडवेंचर है, एडवेंचर पसंद है ज़रूर करो, नहीं पसंद है भाई तो शिमला मनाली नैनीताल ऑलवेज ओपन, आराम से जाके बालकनी में बैठो, धूप से को बढ़िया, यहाँ की धूप भी ऐसी है कि आपको खा जाएगी तो ये है पूरा एडवेंचर, बर्फ में बैठोगे तो एकदम जम जाओगे, और धूप में बैठोगे तो त्वचा जो है फट के ऐसे हो जाएगी, भाई क्या हो गया, त्वचा फट गई पूरी भाई, ये देखो जरा सड़क, देखो 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 ध्यान से भाई, यहाँ तो ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए ही चाहिए, कोई अगर गलती से भाई ले आया सेडान, जैसे कि लाए हुए हैं वैसे लोग डिज़ायर वगैरह, तो देखो नीचे तो लगेगी कहीं ना कहीं, कहाँ से देखो कहाँ से, मेरे को हल्का सा लेफ्ट करना है, फिर हल्का सा राइट करना है, और धीरे 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 पत्थरों के ऊपर, मतलब गाड़ी के मेरे ना शॉकर सस्पेंशन कह रहे होंगे यार, ACT नोएडा एक्सटेंशन में मैं बैठी थी आराम से गैराज के अंदर, बिना कोई धूप के बिना कोई मिट्टी के, भाई कहाँ मेरे को कंफर्ट जोन से किधर ले आए हो, 16,000 feet पे सांस नहीं आ रही मुझे, ठीक है तुमने मेरी लंग्स चेंज कर दिए, एयर फिल्टर चेंज कर दिया, ठीक है, कहाँ ले आए हो। चलो गाइस अब थोड़ा सा बेटर हुआ है,
आगे जो ट्रेजरस रोड जाएंगे मैं वही कवर करूंगा, मेरे को उसी में मजा आता है चलाने में, वही आपको दिखाएंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू, बाय। सो गाइस, एक बोल्डर पड़ा हुआ है बीच में, बड़ा सा पत्थर जो हमें लगता है कि हमारी गाड़ी के नीचे आकर हमारी गाड़ी को ख़राब करेगा। मेरे हस्बैंड उसे उठाने गए हैं, ये उठाया। एक और गाड़ी आ रही है, आ जाओ फटाफट से। खतरनाक वाटर क्रॉसिंग आई है, वो देखिए सारी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं, वो कॉल ले रहे हैं कि भाई क्या करें। यहाँ से पानी का बहाव ऐसा है, पूरी नदी ही बह रही है। ये यहाँ से गाड़ी निकलना इतना फास्ट है, समझ नहीं आना कि क्या करें क्या ना करें। यहाँ से वापस जाना भी एक आफत है। लेट्स सी। Figure out you love me now.
सो फाइनली खतरनाक बॉर्डर क्रॉसिंग क्रॉस करके हम लोग पहुंच गए हैं गोंगबो रोंजन। बोलो जय गोंगबो रोंजन की। आपको भी दिखाते हैं व्यू, ये देखिए गाइस, ये खड़ा एक लौता पूरी वैली में एक चट्टान इतनी बड़ी जिसे इसको बोलते हैं सेक्रेट गोंगबो रोंजन। मतलब क्या ही इमारत है। और ये सीक्रेट इसलिए गाइस, जैसे हम लोगों के लिए समझ लीजिए कि कैलाश पर्वत है, शिव जी की हम पूजा करते हैं, वैसे ही जो बौद्ध धर्म में ये गोंगबो रोंजन की जो है बहुत 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 ज़्यादा मानता है इसको। मतलब बहुत ही लोग मानते हैं, पूजा करते हैं और कहते हैं कि ये एक लौता ऐसा पहाड़ है जिसके ऊपर जो है लोग अभी तक ऊपर सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स इतनी टफ जगह जहाँ पे ज़मीन पे ही ऑक्सीजन नहीं है, कम है, और फिर आप इतने ऊपर कैसे आप जो है वो चढ़ाई कर पाएंगे। इट्स ये देखिए गाइस, मैं अपनी कोलंबस की जो है वो फ़ोटो खींच रहा हूँ। अगर जितनी वाटर क्रॉसिंग थी ना टफ, मतलब मुझे लग रहा था कि चैम्बर फट जाएगा, कुछ हो जाएगा, मतलब आई वॉज गेटिंग मेंटली प्रिपेयर फॉर ऑल दी वर्स्ट काइंड ऑफ थिंग्स। बट लकीली जब आप होते हैं तो आपके साथ में और राइडर्स होते हैं, आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। और राइडर्स आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कोई हार्ड कोर, कोई बहुत फ़नी राइडर्स नहीं। पहले ट्रक वाले भैया गए, फिर एक कैंपर गया बोलेरो का, उसने कहा नीचे कुछ टच नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने हिम्मत करी, मेरे पीछे एक ऑल्टो थी वो गई। तो धीरे 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 जिसकी जैसी जैसी गाड़ी होती है हर किसी की हिम्मत बनती रहती है, हाँ वो करता है। मेरी बीवी बेचारी, उसने पजामे उसके दोनों डबल लेयर पहनी थी, वो हो गए थे गीले। अब उसने समहाउ अपना जो है वो अपना अपने को मैनेज किया है, अपने पजामे चेंज किए हैं। सो मैडम कैसा लग रहा है आपको ये एडवेंचर करके? गाइस मतलब अल्टीमेट ही जगह है ये। मतलब अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो मैं कहूँगा कि ज़रूर 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 प्लान कीजिए। एडवेंचर वालों के लिए ही बनी है ये जगह और किसी के लिए नहीं है। और देखिए मेरी वाइफ की जो है शी स्टिल, अब हम कुछ DSLR से यहाँ से कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे अपने पोस्ट कार्ड के लिए, क्योंकि दिस इज़ समथिंग स्पेशल। ये हम लोग कब से सोच रहे थे गोंगबो रोंजन आएंगे 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 और फाइनली भी डिलीट, गोंगबो रोंजन अपना हो गया। ओके गाइस, अलविदा, शब्बा खैर, सतनाम श्री वाहेगुरु जी, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, बाय बाय। गाइस कहाँ कहाँ रोकूँ गाड़ी और कहाँ कहाँ के व्यूज़ जो है ना मैं वो कैप्चर करूँ। एक जगह हम लोग अभी रुके हैं, मैं अभी कैमरा उस तरफ करूँगा और आप लोग व्यू देखना गाइस। मतलब एक ही एंगल में आपको अलग अलग रंग पहाड़ों के नज़र आने वाले हैं। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ देखिए, मतलब पीछे हैं हमारे गोंगबो रोंजन, ठीक है। अब मैं कैमरा घुमाता हूँ बहुत धीरे धीरे और आप व्यू का आनंद लीजिए। आपको एक ही एंगल में ग्रीन, पर्पल, ब्राउन, ऑरेंज, डार्क ग्रे, ऊपर अच्छे वाला ऑरेंज, ब्लैक के ऊपर ऑरेंज है, और यहाँ पे ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। मतलब आई थिंक यही एक ब्यूटी है लद्दाख की जो इसको जस्टिफाई करती है और लोग इसके पीछे क्यों होते हैं। अभी हमें रास्ते में एक दो बाइकर्स मिले थे, दे वर फ्रॉम कैलिफोर्निया, और मतलब खुद वो बेचारे तो जो बड़ी उम्र में हैं, दो बार मैंने उनको बाइक से फिसलते हुए देखा, गिरी उनकी बाइक स्किड हुई। बट क्या है, यहाँ पे आके ना एक ऐसी आपको एनर्जी मिलती है, होता है कि आपको मन नहीं करता कि मैं गिव अप कर जाऊँ, मैं यहीं रुक जाऊँ, मेरी बाइक गिरी मैं फिसल रहा हूँ, नहीं। यही बोल रहे, कहते हैं योर इंडिया इज़ इनक्रेडिबल, आई एम लाइक सो मेरिसमराइज्ड टू सी दिस ब्यूटी। और वो हमसे आ गई हैं अभी और उन्होंने पुणे रुकना है, तो हम लोग भी पुणे जाएंगे, वहाँ से चाय पानी पियेंगे, लंच करेंगे, फिर सीधा पदुम, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही जब भी कोई अच्छे अच्छे व्यूज़ आएंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और आप देखते रहिए हमारे वीडियोज़ जो हैं, इन्जॉय करते रहिए। बहुत ही सुंदर जगह है, मतलब क्या ही बोलूँ। मतलब मेरे को लगता है वाइफ और मैं अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग इस जगह की ना फ़ोटोज़ लेंगे और अपने रूम में ना इनके हम
एक और गाइस वाटर क्रॉसिंग आई है, मैं सोचा बाहर निकल के देखूं कहाँ निकल नहीं पानी जा रहा है। वहाँ से अभी डीआर में कुछ लोग खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ हम लोग कुछ बड़े बड़े पत्थर हैं वो हटाते हैं, वो बड़े बड़े पत्थर हटाएंगे तो फिर हमारी गाड़ी जो है वो निकल पाएगी, क्योंकि पूरे को कोई नदी बह रही है यहाँ पे जो है, तो ये बीच में से कुछ बड़े पत्थर जो है वो हटेंगे वो, क्योंकि वो अगर नीचे गाड़ी पे लेंगे चैम्बर फट जाता है, और उसके बाद वो हमारा ऊपर रास्ता है जो हमें जाना है वो इंक्लाइन है एकदम ऊपर, वहाँ जाना उस पे आएगा हमारा पूर्णे और फिर आएगा पादुम। तो अभी ये भैया जो है वो हमारी हेल्प करेंगे, ये बीआरओ के ही लोग हैं जो हेल्प करेंगे। काफ़ी अच्छी तकड़ी चढ़ाई थी, आपने देखा होगा वीडियो में। सो, मतलब प्योर एडवेंचर है गाइस। ये देखिए आप, वो कोई सड़क है साइड पे, आप सड़क देख रहे हैं, उस सड़क से हम आए हैं या गए हैं मुझे पता नहीं, ये आगे ये सड़क है जिस पे हम जा रहे हैं। सिंगल लेन है, ट्रक आ रहा था, मैंने गाड़ी रोक दी, मेरी गाड़ी की हाल देखिए आप। टायर की कंडीशन गाइस बहुत अच्छी होनी चाहिए, थोड़े से मेरे पे गंदे टायर हैं तो यहाँ पे स्किड मारेंगे। हालांकि अभी तक मेरे को 4x4 की ज़रूरत से एक जगह फील हुई थी और भी फील नहीं हुई, मगर सारा रास्ता जो है वो ऐसा ही है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे। हेलो गाइस, सो फाइनली हम लोग जो है पहुंच गए हैं पुणे। टाइम हो रहा है दोपहर के 1:45। सो, जिसे कहते हैं ना कि कठिन से कठिन और दुर्गम रास्तों को कवर करते हुए कितनी ही वाटर क्रॉसिंग्स थी वो क्रॉस करते हुए, उनमें से मैं कहूँगा गाइज तो दो ही वाटर क्रॉसिंग्स थोड़ी चैलेंजिंग लगी मुझे, उनमें से एक काफ़ी चैलेंजिंग थी नो डाउट। और गाड़ी आप देख सकते हैं, मतलब सोचो पानी उछला, कीचड़ कहाँ तक पहुँचा, ऊपर ऊपर तक कीचड़ है, मतलब फुल ऑफ रोडिंग करते हुए आई है गाड़ी जो है ना। जैसे कहते हैं हैट्स ऑफ टू फोर्ड इंडिया, हैट्स ऑफ टू इको स्पोर्ट। ऑल्टो भी चलती हैं गाइज, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊँगा, सब ड्राइविंग उस पर है, बट हाँ गाड़ी ने साथ दिया तो गाड़ी को क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है। ये हम डोलमा कैंप साइट पूर्णे रुके हैं, ये होटल है, यहाँ पे हम लोग चाय वगैरह पिएंगे, कुछ मैगी वैगी खाएंगे, और ये पूर्णे का गाइस लैंडस्केप है।
अनफॉर्चुनेटली बिकॉज पानी बहुत पिघल के आ रहा है ग्लेशियर से और बहुत पानी बढ़ा हुआ है, तो इसलिए नीचे जो रिवर है यहाँ पे यूजुअली टर्कोइज वाटर देखने को मिलता है, बट जो कि हमें अभी देखने को नहीं मिलेगा। और इसके जस्ट पीछे अगर आप देखेंगे वो एक और बोर्ड लगा है, अगर मैं जूम करूँगा ये वाइट कलर का बोर्ड, तो गाइज ये जो है ना कट है जो यहाँ से हम ये जहाँ से ट्रक आ रहा है ये जाएगा पादुम को और हम जाएंगे, और पीछे जो रास्ता जाता है वो उस बोर्ड से वो चला जाता है पुतकल मोनेस्ट्री जहाँ पे वो गाड़ी जा रही है। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये गाड़ी जा रही है तो ये पुतकल मोनेस्ट्री को जा रहा है। हम लोगों का गाइस पुतकल मोनेस्ट्री का नहीं है प्लान, बिकॉज हमारा प्लान ये है कि हम पदुम कवर करेंगे और कल मोस्ट लाइकली जो है वो पदुम से हम लोगों का प्लान होगा, हम लोग जाएंगे इधर ले और कारगिल। तो हम लोगों को बस अब ये कॉल लेनी है कि लिंकशेट रूट से जाएं या फिर हम लोग जाएंगे कारगिल रूट से। गाइस ये दो बाइकर्स हैं, ये लोग कैलिफोर्निया से आए हुए हैं, सो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इन्होंने यहीं पर स्टे करना है। ये जो बूढ़े हैं अंकल, ये बेचारे दो तीन बार गिरे भी, हम लोगों ने इनकी हेल्प करी, इनकी बाइक स्लश में फिसल गई थी, देन वी हेल्प देम आउट एंड अभी ये लोग यहाँ पे स्टे करेंगे। इनका प्लान है ये लोग पुणे स्टे करेंगे, देन फिर ये पदुम जाएंगे, देन पदुम से ले। तो बस वो वाइफ बैठ गई है मेरी हेल्पर तो अभी मैं यहाँ से जो है वो मैगी चाय प्रेडोमिनेंट वगैरह कुछ खा पी के सीधा गाड़ी लगेगी अब गाइस पदुम, अगर सब रास्ता वगैरह सब साफ हो सब बढ़िया हो। ओके गाइस सी यू बाय।